कहने कि तुम कहो तो मैं तुम्हें करोला में छोड़ूं। अच्छा फिर तुमने क्या कहा? झांपू। मैंने क्या कहना था? अच्छा खासा जलील कर दिया उसको। एक तो अल्लाह की देवी चीजों का मोल ले तो अल्लाह मैंने तो मुफ्त पौधे लगाए अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए और तुमको देखो जरा। तो अल्लाह ने तो मुफ्त में लगाए पौधे, तो जाओ जाके उखाड़ लो, ले आओ जाके। अल्लाह का जिक्र आखरत के लिए कर लीजिए, मुझसे कुछ पौधे दुनिया के लिए खरीद लीजिए। आप तो जानते हैं दुनिया का काम पैसे से चलता है। मौसम बाहर आ गया, सब मौसमों का सरताज मौसम है ये। अरे बावली फूल देखने कौन जा रहा है? असल में फूलों की जहाँ एग्जीबिशन हो रही है उसके साथ एक पार्क है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। एक काम कर, तू भी उमेर को वहीं बुला ले। नया लव स्टोरी वॉर। पाकर लड़की बहुत खुश होती है, फूलों की तरह निखर सी जाती है। रमशा को एक फूल दूंगा तो शायद वो अपने प्यार का इजहार खुल के कर ले। झांपू तुम? हाँ मैं झांपू, कैसी हो? हाँ हाँ ठीक हूँ, साजिदा भाई जी किचन में है। तो मैं साजिदा भाई जी से मिलने आया, तुमसे मिलने आया। मुझसे क्यों? क्यों तुम्हें नहीं पता? अच्छा आओ अंदर आओ। और तुमने क्या हुलिया बनाया है? शेव बढ़ा ली है, दाढ़ी रखनी है क्या? बैठ जाओ। वो तो अब्बा बोलता है दाढ़ी रखने के लिए, हुलिये का क्या करना है? फूल कैसे खूबसूरत हैं। मेरे लिए है। तो और क्या मोहल्ले वालों के लिए लेके आऊंगा? तूने स्कूल जाना शुरू कर दिया? इसे छोड़ो, फूल तुम बहुत मोहब्बत से लाए हो इसीलिए ले रही हूँ, मगर मौसम बाहर है रमशा, फूल वापस मत करना और ना ही कोई ऐसी बात करना जिससे मेरा दिल टूट जाए। मुझे जो कुछ कहना है मैं तो वो कहूंगी, अब किसी का दिल टूटे या ना टूटे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल फूलों की नुमाइश है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ आकर मुझे कुछ फूलों के गमले खरीद दो, तो फिर मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच सकती हूँ। गमले दिला दूँ? यार नुमाइश में गमले बहुत महंगे मिलते हैं। मैं ये सब नहीं जानती, बस यही तुम्हारी तरफ से मेरे लिए बहारों का तोहफा होगा और मेरी तरफ से तुम्हारी आजमाइश। तो मिस्टर झापू अब आप यहाँ से जा सकते हैं। Hello, students. Hello, sir. Happy spring season. Same here, sir. आपको भी मौसम गुल मुबारक हो, sir. You too, Miss Afreen. But हम English language पढ़ रहे हैं और हमें जो भी बात करनी है वो English में करनी चाहिए। आपकी बात ठीक है sir, लेकिन मौसम गुल कहने में जो बात है वो spring कहने में कहाँ? हाँ, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आज मौसम बहार को या मौसम गुल को हम सेलिब्रेट करते हैं अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाकर। नाउ आई विल राइट सम वर्ड्स ऑन द बोर्ड और यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ इट, राइट? तो पहला सेंटेंस मैं बनाता हूँ, लव। तो चलिए पहला जुमला मैं बनाता हूं, राइट? आई लव यू, आई
love you. तो अब आप में से कोई जुमला बनाएगा? सर, फूल का मैं बनाऊं? Yeah, sure. सर, कल मैं दोपहर 3 बजे महमूदाबाद नंबर 2 गर्ल्स स्कूल के बराबर वाले पार्क में जा रही हूँ. What do you mean? इसमें फूल कहाँ है? सर, पार्क के बराबर में जो स्कूल है वहीं तो फूलों की नुमाइश है. मैं समझ गया, मगर आपके जुमले में लफ्ज फूल भी तो आना चाहिए. और फिर इसके इंग्लिश? सर, अब आप करके बता दें. जुमला काफी लेंथी है, चलें कोई और बनाएं. बारिश पर. It's rain. It's raining, यानी बारिश हो रही है. Very nice. सर, मौसमे बहार, मौसमे मुलाकात है. Good sentence. कल मैं दोपहर 3 बजे महमूदाबाद नंबर 2 गर्ल्स स्कूल के बराबर वाले पार्क में जा रही हूँ. मौसम बहार, मौसम मुलाकात है. यार ये रेलवे कॉलोनी यही है? हाँ, ये सामने ही रेलवे. अच्छा, सामने ट्रेनें भी चलती? अच्छा अच्छा, तो अच्छा यहाँ मौलवी साहब रहते हैं? पौधा चाहिए? वो गुलाब कितने का है? 80 रुपए का. और ये वाला पौधा? ये भी 80 रुपए का. उफ़ला, तो बहुत महंगे दे रहे हो भाई. हाँ? जाओ जाओ. हाँ? जाओ जाओ, खाली पीली रोक कर वक्त बर्बाद किया. रुको भाई. हाँ भाई, तुम भी सिर्फ पूछोगे ही या कुछ खरीदोगे भी? मैं सिर्फ तुम्हें पूछने वाला लगता हूं. ये बताओ, ये सारे गमले कितने के दोगे? सारे? हाँ हाँ, सारे मुनासिब दाम लगाओ और सब दे दो. देखो भैया, पूरा ठेला मैंने नर्सरी से 1200 रुपए में भरा है. तुम ऐसा करो, 1500 रुपए दे दो. ए भाई, सारा ठेला खरीद रहा हूँ, ये 1350 रुपए ले लो. ए भैया, इतने से पैसों के लिए मैंने इतनी मेहनत नहीं की है. ठेला नहीं घसीटा, इतने से पैसों के लिए पूरे दो भाई. अच्छा ये लो. ये 1400 रखो और सब दे दो.
सब चलो लाओ, तुम कहते हो तो ठीक है। सही बताओ कहाँ रखने गमले, पूरे है ना? हाँ सही है, कहाँ रखने?